स्क्रीन इज विजिबल। यस मैम। मैं आपको ये बता, जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल इन पेपर थर्ड, दैट इज थर्ड प्रैक्टिकल, दैट इज बेस्ड ऑन द एम ऑफ दैट प्रैक्टिकल इज टू प्रेडिक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन द पॉलीपेप्टाइड चेन दैट विल बी फॉर्म आफ्टर द ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सो इन थ्योरी वी हैव डिस्कस अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस, दैट मीन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कैसे तैयार होता है। सो इट इज द सिक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। तो जो अमाइनो एसिड्स है, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स कैसे फॉर्म होते हैं और जो उसका रीडिंग है, रीडिंग कैसे लिया जाता है, मतलब जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन में वहां पे अमाइनो एसिड्स, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स अटैच रहते हैं और डिफरेंट अमाइनो एसिड्स कंबाइन होके, फोल्ड होके वहां पे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स तैयार होता है। तो ये जो अमाइनो एसिड्स है, अमाइनो एसिड्स कैसे रीड किए जाते हैं, अमाइनो एसिड डिक्शनरी तो आपने देखी है, हमने थ्योरी में भी ये पढ़ा है कि डिफरेंट जो कोर्स है, कोर्स के जो डिफरेंट कोर्स है, कोर्स के हिसाब से वहां पे डिफरेंट अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो जस्ट सी द थ्योरी ऑफ दिस प्रैक्टिकल। सो प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स लिंक्ड बाय द पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स। सो यहाँ पे डिफरेंट अमाइनो एसिड्स दे विल बी लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स एंड द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दैट विल बी प्रोड्यूस्ड। सो दिस चेन और दिस अमाइनो एसिड्स दैट विल बी स्टार्ट्स फ्रॉम द अमाइनो ग्रुप विच बिगेन्स इन द एन टर्मिनल्स एंड एंड विद द सी टर्मिनल्स ऑफ द कार्बोक्सिल चेन। जो कार्बोक्सिल मॉलिक्यूल्स को ए डिफरेंट जो अमाइनो एसिड्स रहते हैं, अमाइनो एसिड्स दैट्स विल बी अटैच। सो दिस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दैट्स विल बी एक्सप्रेसेस द डिफरेंट फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स इन द ऑर्गेनिजम्स एंड इट इज सिंथेसाइज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस से बाद वहां पे अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं और अमाइनो एसिड्स डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स तैयार करते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, तो जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स रहते हैं बॉडी के अंदर, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स डिसाइड्स करते हैं, तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कैसे तैयार होता है। जो चेन रहती है, जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो प्रोटीन सिंथेसिस में दो मेन स्टेप है, एक है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरी प्रोसेस है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है कि वहां पे जो डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए मॉलिक्यूल से मैसेंजर आरएनए तैयार होता है। तो इन दिस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इट इन्वॉल्व द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए फ्रॉम द डबल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट एंड दिस आरएनए बेस्ड सीक्वेंस आर रीड इन 5'-3' डायरेक्शन। सो यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन मीन्स यहाँ पे मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होता है, एमआरएनए फ्रॉम डीएनए मैसेंजर आरएनए विल बी प्रोड्यूस एंड दिस सीक्वेंस दैट विल बी रीड इन द 5'-3' डायरेक्शन में जो भी सीक्वेंस है वो रीड किया जाता है। देन ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन प्रोसेस इन दैट जो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स तैयार होते। सो इन दिस ट्रांसलेशन प्रोसेस देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड दिस ट्रांसलेशन प्रोसेस हैविंग द थ्री स्टेप्स, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन दैट हैव वी ऑलरेडी स्टडीड इन द थ्योरी। सो हियर दिस प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए। सो हियर रीडिंग ऑफ द मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड्स ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दैट्स विल बी डिफरेंट। सो हियर
Sorry for interruption. So here the reading of the messenger RNA stands in eukaryotes and prokaryotes, that will be. So what is the difference? How the reading of mRNA discussed? So in case of the prokaryotes, the RNA strand does not show the 7 methylated cap. So in at the initials mRNA structures आपको याद है तो mRNA में जो beginning में वहाँ पे cap रहते हैं and at the end there will be poly A tail रहता है. तो जो prokaryotes में क्या रहता है वहाँ पे cap present नहीं रहती है, that is 7 methylated cap वहाँ पे हमें नहीं दिखाई देगी. So therefore the interfer that is in prokaryotes mRNA. In prokaryotes, there would be 30S ribosomal unit always get attached to the ribosome binding site called the leader sequence or Shine De Largo sequence. So at the initials, वहाँ पे cap present नहीं रहती, उसकी जगह पे हमें 30S ribosome leader sequence दिखेंगे. This leader sequence, which is also called as SD sequence, that is Shine Delgarno sequence. So it is purine rich sequence and the sequence it is the from the 5' it is AGGAGGU. So it is the sequence which are present at the beginning of this messenger RNA and it is about 8 to 13 bases in upstream of the initiation codon AUG or GU. जी जो इनिशिएशन कोडन है इनिशिएशन कोडॉन्स के उसके हमें बाद में यहाँ पे हमें ए लीडर सीक्वेंस नजर आएगा दैट इज ए जी जी ए जी जी यू एंड देन आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस एस डी सीक्वेंस और ए यू जी और जी यू जी इज आइडेंटिफाइड एज ए इनिशिएशन कोडॉन बोथ ऑफ विच कुड कोड फॉर द फॉर्मुलेटेड मिथियोनाइन and the mRNA is now divided into codons of the 3 nucleotides. So jo initiation codon humne kaun sa dekha tha to AUG aur GUG a initiation codon rehte hain. To yahan pe jo initiation codons hain initiation codons या तो हमें इनिशिएशन कोडॉन्स नजर आएंगे नहीं तो जो लीडर सीक्वेंस है लीडर सीक्वेंस वहां पे हमें दिखेगा और उसके बाद में जो मैसेंजर आरएनए हम 3 जेनेटिक कोड में वहां पे डिवाइड करेंगे देन द अमाइनो एसिड्स The amino acid sequence is read with the help of genetic code dictionary, then messenger RNA of the prokaryotes. In that, they will be polycystronic and hence polycystronic that means they produce the 2 polypeptide chains. So it is quite different from the eukaryotes. In eukaryotes, there only the single polypeptide chain will be produces and in eukaryotes at the initial there is the cap there are 7 MC cap is present at the 5' end and at the tail there is the, at the end there will be tail is present that is poly A tail so in eukaryotes the initiation code will be AUG or GUG that will be identified and then the 3 codons or 3 terminating codons that will be produces then according to the 3 codons which amino acids present wo hum dekhenge ki usse kaun sa amino acids produce hota hai aur uske hisab se wo hum read karenge then in case of the eukaryotes only the monocystronic will be produces monocystronics matlab single polypeptide chain wahan pe प्रोड्यूस होगी इन प्रोकैरियोट्स में हमने देखा कि वहां पे 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रोड्यूस होती है
ये तो चार्ट आपको पता है, अमाइनो एसिड डिक्शनरी, अमाइनो एसिड्स में वहां पे डिफरेंट सीक्वेंस दिए हैं। डिफरेंट सीक्वेंस में वहां पे जो इनिशिएशन कोडॉन रहता है, इनिशिएशन कोडॉन कौन सा रहता है, तो कोडॉन रहता है। प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट रहता है, यूकैरियोट्स में वो प्रेजेंट रहता है। देन स्टॉप कोडॉन्स, थ्री स्टॉप कोडॉन्स है, उसे बॉक्स बनाया है, देखो UAA, UAG एंड UGA, इट इज द स्टॉप कोडॉन्स। एंड जो बाकी के रहेंगे वो जो अमाइनो एसिड्स नीचे आपको बॉक्स दिया है, PHE दैट रिप्रेजेंट द फिनिल एनालिन, देन CYS दैट इज सिस्टीन, तो उसके हिसाब से हमें नीचे वाले जो आपको सीक्वेंस दिया जाएगा उसके हिसाब से आपको वहां पे अरेंज करना है। तो आपको एग्जाम में क्या रहता है, तो खाली डायरेक्टली आपको खाली जो सीक्वेंस वैसे दिया जाता है 5' to 3', और उसके ऊपर अलग अलग जो बेसेस है बेसेस दिए जाते। तो ये पहले आपको क्या देखना है कि ये इनिशिएशन कोडॉन्स है क्या, इसमें इनिशिएशन कोडॉन्स कौन सा रहता है, AUG। तो AUG प्रोकैरियोट्स में तो हमें नहीं दिखेगा, वहां पे हमें शाइन डेल्गनोसाइट्स वहां पे आइडेंटिफाई करने, तो उसका क्या जो सीक्वेंस है, तो उसका सीक्वेंस क्या है, AGGA GGU। तो यहाँ पे हमें वो सीक्वेंस जहाँ पे दिखेगा वहां से हम जो रीड करना, mRNA रीड करना वहां से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे दिखा आपको GUU पर देख के, वहां पे आपको जो पहला सीक्वेंस है SD साइट आइडेंटिफाई करनी है। SD साइट के बाद हमें 3-3 न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस बनाना है, तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो वहां पे UCG है। UCG क्या रिप्रेजेंट करता है, एलेन, देन GCA टायरोसिन, देन CUU फिनिल एलेनिन, देन ACC प्रोलाइन। तो उसके हिसाब से हमें जो भी सीक्वेंस है देखने हैं, फिर जहां पे स्टॉप कोडॉन आता है वहां पे हमें स्टॉप होना है, उसके बाद में वहां पे अमाइनो एसिड्स ऐड होना बंद होता है, तो इसकी वहां तक ही वो पॉलीपेप्टाइड चेन वहां से ब्रेक हो जाएगी और जो भी है अमाइनो एसिड्स फिर फोल्ड हो जाएंगे और उससे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये हुआ प्रोकैरियोट्स का। यूकैरियोट्स में सिंपली है, वहां पे एक तो पहले 7 MC आपको कैप नजर आएगी जो 5' एंड के ऊपर अरेंज रहती है। देन यदि वो 7 MC वहां पे नहीं लिखा होता है तब आप आइडेंटिफाई कर सकती हो कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोकैरियोट्स की है। यूकैरियोट्स में आपको वहां पे 7 MC 5' एंड के ऊपर दिखाई देगा। देन वहां पे जो फर्स्ट है, फर्स्ट वहां पे कौन सा ग्रुप अटैच होता है, तो मिथियोनाइन ग्रुप अटैच होता है। इनिशिएशन में मिथियोनाइन ग्रुप अटैच होगा, उसके बाद जो भी न्यूक्लियोटाइड बेसिस है वो आप 3-3 में डिवाइड करो, 3 से CCC वहां पे प्रोलाइन अमाइनो एसिड से, देन ACU दैट इज 309, CCC इट इज द प्रोलाइन, HAC इट इज एस्पर्जिन, फिर स्टॉप कोडॉन यहाँ पे UAG है, तो वहां पे जो भी चेन है वो ब्रेक हो जाएगी, तो जो ऊपर जो अमाइनो एसिड्स अरेंज हुए हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में उससे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स तैयार हो जाए। सिमिलरली फिर जब इनिशिएशन कोडॉन्स आएंगे चेन में, तब इनिशिएशन कोडॉन्स आएंगे तब वहां से आगे फिर पॉलीपेप्टाइड चेन बनना शुरू हो जाएगी। तो फिर कौन सी चेन यहाँ पे है, AUG, ये इनिशिएशन कोडॉन है, तो यहाँ से फिर नई पॉलीपेप्टाइड चेन स्टार्ट हो गई, फिर स्टार्ट कोडॉन है ये, तो फिर हम जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस है वो 3 में डिवाइड करेंगे और वहां पे कौन सा अमाइनो एसिड अटैच हुआ है वो देखेंगे, UAU है तो टायरोसिन, UUU है तो फिनिलएनालाइन, फिर उस चेन में जब भी स्टॉप कोडॉन आएंगे वहां चेन ब्रेक हो जाएगी, फिर जो अमाइनो एसिड से फोल्ड हो जाएंगे और वहां न्यू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से 5' से 3' तक चेन कंटिन्यूअसली ग्रो होती जाती है, जब स्टॉप कोडॉन आते हैं तब ब्रेक हो जाएगी, फिर जब इनिशिएशन कोडॉन आएंगे फिर से वो स्टार्ट हो जाएगी,
तो ऐसे ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो रीड की जाती है। सो दिस इज योर थर्ड प्रैक्टिकल, दैट इज प्रेडिक्शंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन द पॉलीपेप्टाइड चेन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो वहां पे 5 प्राइम पे जो कैप है, मिथिलेटेड कैप, इट इज अब्सेंट, दैट इज 7 MCE, इट इज द अब्सेंट। यहाँ पे आप जो डायग्राम बनाओगे तो वहां पे आपको कैप नजर नहीं आएगी, और यू कैरियोट्स में वहां पे देखो जो डायग्राम है वहां पे आपको 7 MCE कैप नजर आएगी। सो इट इज द मेन डिफरेंस। और उसके हिसाब से आप जो भी इनिशिएशन कोडॉन है, इनिशिएशन कोडॉन फाइंड आउट करो, फिर जो अमाइनो एसिड है 3 कोड्स बनाओ, उससे जो अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस होता है चार्ट में देखे, वहां पे जो अमाइनो एसिड्स अटैच हुआ है वो लिखना है, जब भी जब तक स्टॉप कोडॉन नहीं आते हैं तब तक। सो ऑल ऑफ यू गॉट दिस पॉइंट? यस मैम। आपको समझ में आया? ओके, इट इज इजी। जब प्रैक्टिकल रहता है तो प्रैक्टिकल में आपको एक चार्ट दिया जाता है, अमाइनो एसिड का चार्ट दिया जाता है, और साथ में दोनों में से एक आपको ये जो सीक्वेंस है सीक्वेंस दिए जाते हैं, और इसके हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है, और उसके हिसाब से फिर जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस आपको, सीक्वेंस मतलब जो सीक्वेंस दिया जाता है वहां पे कौन से अमाइनो एसिड्स आएंगे वो आपको लिखने के रहते हैं। और तो प्रोकैरियोट्स है तो एस्टिसाइड्स आपको आइडेंटिफाई करनी है, फिर अमाइनो एसिड्स आइडेंटिफाई करने के रहते हैं, और जो स्टॉप कोडन है स्टॉप कोडन आपको आइडेंटिफाई करने का रहता है। ठीक है, तो आपका थर्ड प्रैक्टिकल हुआ। नेक्स्ट प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये सबको समझ में आ गया है? यस ओके।